फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्श्वेता सिंह बरा का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, एक बार फिर मैं आपके लिए फिजिकल एजुकेशन का वीडियो लेकर आ गई हूँ। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हूँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड लर्निंग, और इसके अंतर्गत हमारा हो जाएगा वन लाइनर क्वेश्चन आंसर। ठीक है, जैसा कि अभी मैं आपको थ्योरी दे रही थी, अभी जितना टॉपिक मैंने आपको थ्योरी दे रखा है उसी को मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चन आंसर में दे रही हूँ। और ये आपका पार्ट वन है, और इससे इसका मतलब वन लाइनर क्वेश्चन आंसर लर्निंग पे इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान के पिता किसे माना जाता है। मनोविज्ञान का पिता किसे माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विलियम वुंड को। ठीक है, विलियम वुंड को मनोविज्ञान का पिता माना जाता है। कहीं कहीं लोग कहते हैं कि विलियम जेम्स भी होंगे, तो कई बुक में कहीं दिया गया है, लेकिन माना गया है विलियम वुंड को ही। अगर क्या पता, हो सकता है कि ऑप्शन में विलियम जेम्स ही दे दे, तो देखिए एक साथ तो दोनों नहीं देगा। ठीक है, इतना क्लियर है। तो अगर विलियम वुंड रहेगा तो आप विलियम वुंड कीजिएगा, नहीं तो विलियम जेम्स कीजिएगा। ठीक है, लेकिन रहेगा आपका हैं आपके विलियम वुंड ही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान क्या देखना चाहिए, पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान क्या देखना होगा। तो इसका आंसर है सीखने की स्थिति। ठीक है, जो एक पर्यवेक्षक होगा उसका सीखने की स्थिति कैसी होगी, उसको मेन उसका काम यही वो देखना होता है। सॉरी, नेक्स्ट है आपका खेल ही जीवन है यह सिद्धांत किसका है। थर्ड क्वेश्चन है खेल ही जीवन है यह सिद्धांत किसका है, तो इसका आंसर है जॉन डेवी का। ठीक है, खेल ही जीवन है यह सिद्धांत जॉन डेवी का है। नेक्स्ट है सीखने वालों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वह क्या याद रखे और क्या भुला दे, यह कथन किसका है। तो इसका आंसर है क्रोएम क्रो का। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपके एग्जाम में किसी न किसी, चाहे वो आपका TGT हो, चाहे KVS हो, चाहे आपका NVS हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका डाइट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये पूछा गया है। और ये सिर्फ मैंने साइकोलॉजी से उठा के दिया है, तो आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के सारे क्वेश्चन यही मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव करके वन लाइनर में, तो आप उसको देख लीजिएगा। और मैंने अभी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जितना स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपको जितना थ्योरी बताया है, ये सिर्फ आपका उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। अधिगम का मुख्य सिद्धांत क्या है, अधिगम का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो इसका आंसर है सरल से जटिल। ठीक है, अधिगम का मुख्य सिद्धांत आपका सरल से जटिल होता है। कोई भी कार्य हम जैसे सिखाते हैं, अधिगम मीन्स होता है कि आपका सीखना, जब हम किसी कार्य को किसी को सिखाते हैं तो पहले उसको हम सरल तरीके से सिखाएंगे, तब जाके कोई कठिन चीज़ सिखाते हैं। ऐसा नहीं कि पहले ही उसको हम हार्ड चीज़ सिखाएं, तो वो सीखना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स। एक मनोवैज्ञानिक किस पर काम करता है, एक मनोवैज्ञानिक किस पर काम करता है। तो इसका आंसर है मानव व्यवहार पर। ठीक है, एक मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थॉर्नडाइक ने परीक्षणों के आधार पर कितने प्रकार के सीखने के नियम प्रतिपादन किया है। ठीक है, कितने प्रकार के सीखने के नियम का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया है। तो इसका आंसर है आपका 3। ठीक, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है, शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक है। तो इसका आंसर है आपका संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। ठीक है, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में आपका शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंडरगार्टन विधि के जन्मदाता कौन है, तो इसका आंसर है फ्रोबेल। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। सिगमंड फ्रॉयड किसके जनक माने जाते हैं, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। तो सिगमंड फ्रॉयड आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं या जनक हैं। इसको पूछा है कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो आप ध्यान रखिएगा सिगमंड फ्रॉयड, जहाँ भी ये देखिएगा आप तुरंत इसको फ्राइड कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है, अपने आप सीखने की सर्वोत्तम विधि कौन सी होती है। ये है आपकी प्रेक्षण विधि। ठीक है, प्रेक्षण विधि यानी कि अवलोकन विधि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12। स्कीनर के द्वारा सीखने से संबंधित जो ये GK नहीं होगा, जो परिभाषा है क्या है। ठीक है, स्किनर के द्वारा सीखने से संबंधित परिभाषा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन बार बार अगर लर्निंग से कोई डेफिनेशन पूछता है तो ये जरूर पूछता है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया
है, यह किसका कथन है या स्किनर द्वारा दी गई परिभाषा कौन सी है, किसी भी तरह घुमा के आपको ये पूछ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं पर उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते हैं, यह अध्ययन के कौन से नियम से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम। ठीक, आप घोड़े को पानी तक ले जा सकते हो पर उसे पानी पीने के लिए विवश नहीं कर सकते, यह अध्ययन के कौन से नियम से संबंधित है? तो यह आपका प्रभाव का नियम। नेक्स्ट है आपका प्रत्युत्तर यानी कि रिस्पॉन्स, जो उच्च स्तर पर सीखा जाता है वह क्या होता है? यह आपका अनैच्छिक होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? तो इसका आंसर है हस्तलेखन। ठीक है, अगर हम क्लास में सीख रहे हैं कोई चीज़ तो वहाँ पे लिखना सबसे इम्पोर्टेंट है, जितना आप लिखोगे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखोगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 16, इसमें से कौन सा शब्द सीखने की पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है? ये बहुत सारे ऑप्शन थे, यहाँ पे लिखना नहीं चाहिए था, ये इसमें से ये कौन सा शब्द सीखने की पर्यायवाची के रूप में प्रयुक्त होता है? तो याददाश्त। ठीक है, याददाश्त हमारा सीखने की पर्याय, हमें कोई चीज़ याद रहेंगे तभी हम कोई चीज़ सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 17, 9 से 11 वर्ष की वृद्धि और विकास की अवधि को क्या कहते हैं? 9 से 11 वर्ष की वृद्धि और विकास की अवधि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है आपका परवर्ती बचपन। ठीक है, सीधे सीधे आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें बदलाव होता है, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें बदलाव होता है, तो वह है व्यवहार का। ठीक है, जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है, जैसे पहले थे वैसे नहीं रह जाते हैं, कहीं अच्छा भी हो सकता है, कभी कभी ये बुरा भी हो सकता है। अगर हम अच्छे के संगत में रहेंगे, अच्छे लोगों के साथ रहेंगे, अच्छी चीज़ें सीखेंगे तो अच्छा होगा, अगर बुरे की संगत में होंगे तो वो बुरा भी होगा, हमारे संगत के असर पर हमारा व्यवहार भी डिपेंड करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, परीक्षण व त्रुटि के सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? तो ये आपका थॉर्नडाइक द्वारा। ठीक है, थॉर्नडाइक द्वारा। नेक्स्ट है आपका ज्ञान में व्यक्तिगत घटक है, ज्ञान में व्यक्तिगत घटक है तो ये आपका है परंपरागत घटक, कौशल घटक, मनोवैज्ञानिक घटक। ठीक है, परंपरागत घटक, कौशल घटक और मनोवैज्ञानिक घटक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, थॉर्नडाइक ने किस नियम को विकसित किया है? थॉर्नडाइक ने किस नियम को विकसित किया है? तो ये आपका हो जाएगा सीखने का नियम। ठीक है, सीखने के नियम को थॉर्नडाइक ने विकसित किया है। नेक्स्ट है आपका गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक का क्या नियम है? गहन अध्ययन का थॉर्नडाइक का नियम क्या है? तो ये आपका है प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव का नियम, आपका प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम, जो तीन नियम है ये आपके थॉर्नडाइक का नियम दे गया है, उसमें आपका गहन अध्ययन है। ठीक है, जब हम गहन अध्ययन करेंगे तो हम उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत, कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत के आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पावलोव। ठीक है, पावलोव या पावलोव कहीं कुछ भी देखने को मिल सकता है। तो कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत, ठीक है, का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आपका हो जाएगा पावलोव ने, महोदय ने। तो देखिए ये आपका कई तरह से नाम पूछ सकता है, तो ये आपका कंडीशनल थ्योरी ऑफ है। ठीक है, तो ये जैसे आपका संबंध प्रत्यास्थ का सिद्धांत मैंने बताया था, सेकंड नियम सिद्धांत जो था वही है आपका, उसको आपको कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, ये कभी भी पूछ, कैसे भी घुमा के पूछ सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये भी आपका थॉर्नडाइक का है, और जो हमारे राजस्थान PTI वाले जो मतलब शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं बनने की, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो अपना तो इससे अपना रिवीजन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25, कक्षा 2 के बच्चों को PT सिखाने के लिए कौन सा शिक्षण पद्धति उपयुक्त होगी? इसका है अनुकरण विधि। ठीक है, जो कक्षा 2 के बच्चे होते हैं उनको हम कितना ही बोलेंगे, कुछ भी कराएंगे, तो उन्हें जब तक उनको हम चीज़ों को दिखाएंगे नहीं, ठीक है, उनको दिखा के उनको कि ऐसे आप भी करो, ठीक है, तो उनको जैसा हम करते हैं वैसा उनको करना सीखने करने के लिए कहेंगे तभी वो चीज़ें सीख पाएंगे। तो सबसे अच्छी विधि उनके लिए अनुकरण विधि होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 26, सीखना प्रभावित होता है तो ये आपका प्रेरणा द्वारा। ठीक है, सीखना प्रभावित होता है आपका प्रेरणा द्वारा, जब हम लोगों को मोटिवेट करेंगे तो वो आराम से कोई चीज़ अच्छे से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27,
सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने, सीखने की अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलर ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा बंदर व चिंपैंजी पे। ठीक है, बंदर एवं चिंपैंजी पे। नेक्स्ट है आपका, शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? शारीरिक शिक्षा शिक्षण के किस साधन द्वारा कल्पना शक्ति का विकास होता है? तो इसका आंसर है मॉडल द्वारा। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा में जब हम कोई चीज़ किसी को शिक्षित करते हैं या हम अध्ययन खुद शारीरिक शिक्षा का करते हैं तो सबसे ज़्यादा हमारे पे इफेक्टिव होता है मॉडल। कोई चीज़ हम मॉडल बना के जो बच्चों को सिखाएंगे उनको ज़्यादा समझ में आता है। ठीक है, उनको कल्पना, जैसे अगर आप सीबीएसई बोर्ड के टीचर हो तो आप देखोगे उनको एक मॉडल बनाना ही पड़ता है जिससे वो बच्चे ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29, अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? अभ्यास के नियम का आविष्कार किसने किया था? तो ये आपके थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, गहन अध्ययन का घटक क्या है? गहन अध्ययन का घटक क्या है? तो ये आपका पर्यावरणीय मांग है। ठीक है, गहन अध्ययन का घटक है आपका पर्यावरणीय मांग। तो ये रहा हमारा 30 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में आगे इतने क्वेश्चन आपको मिलेंगे और ये आपका सिर्फ लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इस आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे अभी पर्सनालिटी भी नहीं है, मोटिवेशन सिर्फ एक क्वेश्चन आ गया था इसमें, और पर्सनालिटी है, मोटिवेशन है आपका, इमोशंस हैं, अभी इतनी सारी चीज़ें बची हुई हैं तो उससे अलग टॉपिक रहेगा। अभी इस टॉपिक से आपका एक वीडियो और रहेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।